गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सौरभ सर की ऑनलाइन इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो आपका क्लास नाइन्थ है, क्लास नाइन्थ में जो हमारा सेकेंड चैप्टर है इंग्लिश का, मार्को पोलो, ठीक है, उसके जो लगातार वीडियोज के माध्यम से जो बताया गया है उसकी अगले पार्ट को देखते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखें, बोर्ड पर लिखा हुआ है, बट मार्को पोलोज एडवेंचर वर नॉट येट ओवर। बट, लेकिन, मार्को पोलोज माने मार्को पोलो के, एडवेंचर माने साहसिक कार्य या यात्राएं जो भी कह लें, साहसिक कार्य वर नॉट येट ओवर, अभी समाप्त नहीं हुए थे। अभी और ओवर माने समाप्त। तो मार्को, लेकिन मार्को पोलो के जो साहसिक, ठीक है, मार्को पोलो के जो साहसिक कार्य थे वर नॉट येट ओवर, वो अभी समाप्त नहीं हुए थे। ही हैड फेस इयर्स ऑफ हार्डशिप स्टिल। ही हैड फेस, उसने सामना किया था इयर्स ऑफ हार्डशिप स्टिल, कई वर्षों तक कठिनाइयों का। तो उसने कई वर्षों तक कठिनाइयों का सामना किया। वार ब्रोक आउट बिटवीन वेनिस एंड जेनेवा। वार ब्रोक आउट, युद्ध शुरू हो गया बिटवीन वेनिस एंड जेनेवा, जेनेवा और वेनिस के मध्य में। मार्को पोलो हु वाज सेलिंग वन ऑफ हिज ट्रेडिंग शिप्स। मार्को पोलो जो अपना एक व्यापारी जहाज चला रहा था, वाज टेकन प्रिजनर, उसको बंदी बना लिया गया, उसको कैद कर लिया गया। टेकन प्रिजनर माने कैदी, प्रिजनर मींस कैदी, प्रिजन मींस जेल और प्रिजनर मींस कैदी। ही रिमेंड इन प्रिजन फॉर 3 years। ही रिमेंड, वो बना रहा, ही रिमेंड, वो बना रहा या वो रहा इन प्रिजन जेल में, इन प्रिजन जेल में फॉर 3 years, 3 वर्षों तक। तो वह 3 वर्षों तक जेल में रहा। बट ही डिड नॉट वेस्ट हिज टाइम। बट, लेकिन, ही डिड नॉट वेस्ट, उसने बर्बाद नहीं किया, वेस्ट माने बर्बाद करना, हिज टाइम अपना समय, लेकिन उसने अपना समय बर्बाद नहीं किया। ही कॉल्ड फॉर द नोट्स, उसने कुछ कागज मंगवाए। ही हैड मेड ऑन हिज जर्नी, ही हैड मेड ऑन हिज जर्नी एंड डेडिकेटेड ए बुक टू ए फेलो प्रिजनर। तो ही कॉल्ड फॉर द नोट्स, उसने कागज मंगवाए। ही हैड मेड ऑन हिज जर्नी, जो उसने यात्रा की थी, जो उसने यात्रा की थी, एंड डेडिकेटेड ए बुक, उस पर एक किताब लिखी, टू ए फेलो प्रिजनर, एक टू ए फेलो प्रिजनर, एक बंदी व्यक्ति। व्हेन पीस वाज मेड आफ्टर 3 years, व्हेन माने जब, पीस वाज मेड, शांति स्थापित हो गई आफ्टर 3 years, 3 सालों के बाद। वेनिस और जेनेवा का जब युद्ध हुआ तो उसमें क्या हुआ, जब 3 साल के बाद शांति हुई, ही वाज अलाउड टू गो होम, तब उसको घर जाने दिया गया, तब उसको घर जाने दिया गया। तो इस प्रकार से इन लाइन्स को सभी स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक देखें और कोशिश करें कि इसको बहुत ही ध्यान से देखें, ताकि आपके लेसन जो है अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दैट्स ऑल, थैंक यू।